तो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग फ्रेंड। तो स्वागत करता हूँ फिर से एक और न्यू अनदर वीडियो पे। सैमसंग में लगे हुए लॉक को कैसे घर बैठे आसानी से अनलॉक कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, ये कमेंट बहुत ज्यादा मेरे भाई कमेंट सेक्शन में आ रखा था कि भैया सैमसंग में लगे हुए लॉक को कैसे अनलॉक करे, कैसे फॉरगेट पासवर्ड करें, कैसे FRP बाईपास करें। भाई लोग, आप लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हो FRP बाईपास या हार्ड रिसेट या भाई फॉरगेट पासवर्ड कैसे किया जाता है, क्योंकि आपका फ़ोन लॉक हो जाने के बाद अपने स्मार्टफोन में कुछ भी यूज नहीं कर पाते होगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी बंदा सैमसंग स्मार्टफोन यूज करता है, अगर न्यू मॉडल यूज करता है या ओल्ड मॉडल या सैमसंग का कोई भी मॉडल यूज करता है, तो उस बंदे के फ़ोन में लॉक लगा है तो वो बंदा अपने स्मार्टफोन को घर आसानी से अनलॉक कर सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको इस वीडियो में आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा, आप अपने स्मार्टफोन में लगे हुए लॉक को बिल्कुल फ्री अनलॉक कर सकते हो, सैमसंग का कोई भी मॉडल क्यों ना हो। क्या भाई, ये वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो अपने फोन में लगे हुए लॉक को मात्र 10 सेकंड में अनलॉक कर सकते हो। इतना सिंपल ट्रिक है इस वीडियो में, मैं बताता हूँ कैसे अपने सैमसंग स्मार्टफोन को अनलॉक किया जाता है। भाई बहुत ही सिंपल ट्रिक है, पहले अपने स्मार्टफोन में से भाई सिम कार्ड जो होगा इसे निकाल लेना है। इसे निकालने के बाद अपने सैमसंग स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाना होगा। आपके स्मार्टफोन में 4 डिजिट का पासवर्ड होगा या 6 डिजिट का या पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी हो, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मात्र यहाँ पे इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे देखोगे इमरजेंसी कॉल ऑनली, यानी कि यहाँ पे इमरजेंसी में ही किसी को कॉल कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे हमें इमरजेंसी कॉल का ही हेल्प चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करेगा मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। फिर ऊपर से स्लाइड करोगे तो यहाँ पे एयरप्लेन मोड का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो इसे आप लोग जरूर ऑन कर लेना, ठीक है ना। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे मार्च सीजन का कोड आया है जो कि हमें एक्टिवेट करना है। वो कोड एक्टिवेट होते ही आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। मैं फर्स्ट कोड डायल करता हूँ, अपने स्मार्टफोन में नोट कर लीजिएगा ध्यान से कि कोई भी एक अंक छूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट कोड है *8995601*#78#0#। ये कोड को डायल कर लेना है। ये कोड को डायल करते ही यहाँ पे कॉल वाला बटन जो दिख रहा है इसे क्लिक कीजिएगा, यानी कॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ओके कीजिएगा जैसे ही ये कोड इरेज हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड कोड डायल करना है *8999 और ये हैश। ये कोड डायल करते ही इंजीनियर मोड के फाइल पे आओगे जो कि यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन में से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा और सबसे लास्ट वाला पेज पे जाइएगा और यहाँ पे आपको डाटाबेस वर्जन मिलेगा। यहाँ पे 4 टाइम क्लिक कीजिएगा, 1, 2, 3, 4। ये क्लिक करने के बाद फिर सबसे आगे आ जाइएगा, यानी कि सेकेंड नंबर पे डिवाइस पे। डिवाइस के ऑप्शन पे आ जाने के बाद सबसे नीचे आओगे, यहाँ पे एम सेंसर ऑटो टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आपका टेस्ट सक्सेसफुल लिखा जाएगा। होम बटन को क्लिक कीजिएगा, आपके फोन में लगे हुए लॉक को बहुत ही सिंपल ट्रिक से अनलॉक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।